दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी दिनों से देखते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट शो लेकर आता हूं। हर बार मैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आता हूं। तो आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट शो। हालाँकि दोस्तों, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो अगर कोई ऑडियो क्वालिटी में इशू होता है तो इसके लिए सॉरी। और आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, तो आज का मेरे वीडियो को लाइक कर 30, तो आप जल्दी से 30 लाख कम्प्लीट करवा दीजिए। और दोस्तों, जो मैंने कम्युनिटी टैब में पोल किया था कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो किस ऐप से ज़्यादा फेल होती है, तो दोस्तों उस पोल में टोटल 81 मेरे भाई लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। और दोस्तों, जो रिजल्ट सामने आया है वो बिल्कुल मेरी सोच जैसा ही आया है। जैसे कि दोस्तों, गूगल पे से सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन फेल होती है, 48% है। और दोस्तों, पेटीएम को आपने दूसरे नंबर पर रखा है, अब मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आज तक मेरा पेटीएम पर एक भी ट्रायन फेल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, हो सकता है कि पेड़ पर भी ट्रायन फेल होता हो। तो आपके सामने रिजल्ट है गूगल पे, आप थोड़ा सा सावधानी से यूज़ करना। अगर आप करते हैं, काफ़ी ट्रायन फेल आपकी होती है, आपने यहाँ पर राय दी है। और दोस्तों, आज के लिए जो आपके लिए नया पोल है दोस्तों, वो ये है कि आप इस लॉकडाउन में क्या अपने घर से बाहर जा रहे हैं। आप यस और नो में अपना आंसर दीजिए। अगर जा रहे हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं जा रहे हैं तो आप नो कीजिए। दोस्तों, अपनी राय जरूर देना ताकि मुझे पता चले कि कितने मेरे भाई क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो मैं बात करता हूँ अपडेट के बारे में। जो पहली आपके लिए अपडेट आ रही है वो आ रही है पेटीएम की ओर से, पेटीएम डेबिट कार्ड को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पेटीएम पर वीज़ा वाला डेबिट कार्ड आपको अभी मिल रहा है, आप रुपए कार्ड को कन्वर्ट कर वीज़ा कार्ड भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको वीज़ा वाला डेबिट कार्ड फिजिकल नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, पेटीएम आपको ऑफिशियल तौर पर अपडेट दे रहा है कि पेटीएम का जो वीज़ा कार्ड है वो ऑफिशियल आपको फिजिकली मिल जाएगा 25 मई के बाद। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, आप दोस्तों अपने पेटीएम में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि 25 मई के बाद काफ़ी चांस है कि आपको ये कार्ड फिजिकली मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको पता है कि वीज़ा कार्ड आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे आपको ऑफ़र एक्सक्लूसिव वीज़ा कार्ड पर मिलते हैं, तो ये आपको जल्दी फिजिकली मिलना शुरू हो जाएगा पेटीएम ऐप पर। तो अगर आपको पेटीएम की ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आपके लिए आ रही है वो आ रही है पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर। दोस्तों, जैसा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक की लिमिट काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी सारे यूज़र की, आपकी भी हो सकती है, आप अभी से KYC कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आपको KYC करने की अभी दोबारा से ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में मैं पूरी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है जो कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं इसके बारे में आपको एक अलग से मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है कि आपको ये प्रॉब्लम आए। और दोस्तों, उसके बाद आपकी लिमिट क्या होगी इसके बारे में आपको पूरी अपडेट दूंगा। और दोस्तों, वो यूट्यूबर आपको पूरी तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको पूरी अपडेट मिलेगी हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक की लिमिट वाली वीडियो में, जो मैं आपके जल्दी लाने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है आपके लिए वो आ रही है पेटीएम क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर। दोस्तों, ये अपडेट के बारे में जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, जैसे अगर आप पहले पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते थे तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम यही होती थी कि आप पेटीएम वॉल्ट से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली पेटीएम ने अपडेट दे दिया है, अब आप अपने पेटीएम वॉल्ट से ही क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेटीएम वॉल्ट वाला भी ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही सिर्फ पंजाब के लिए। अगर आप पंजाब से, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, दोस्तों कैप्टन सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी जिनका भी लाभपात्री वाला कार्ड बना है उनको वो 3,000 रुपीस देने वाले हैं। दोस्तों, टोटल 6,000 रुपीस उनके अकाउंट में आएंगे। तो अगर आप पंजाब से, आपकी लाभपात्री वाला कार्ड बना हुआ है तो आपको भी मिल जाएगा 6,000 रुपीस आपके अकाउंट में। दोस्तों, पहले 3,000 आएगा, उसके बाद भी 3,000 आएगा, और ऐसा आपको मैसेज आएगा आपके इनबॉक्स में। अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो आप अपने बैंक खाते को चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। ये इसलिए आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि पंजाब के हालात काफ़ी ख़राब है कोविड-19 के मामले में,
और मिनी लॉकडाउन भी चल रहा है पूरे पंजाब में, इसलिए पंजाब सरकार ने लोगों की मदद के लिए ये पैसा उनको दिया है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आपको अभी तक पैसा मिला ही नहीं, आप हमें इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताइए। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है अमेजोन की ओर से। दोस्तों अमेजोन पर जैसे कि अगर आपका अमेजोन पे में काफ़ी सारा बैलेंस पड़ा होता था तो पहले आपको ये काफ़ी दिक्कत होती थी कि आप उसे कैसे बैंक अकाउंट में लें। दोस्तों अभी अमेजोन पर कुछ टाइम पहले अमेजोन गोल्ड वाला ऑप्शन आया था, आप गोल्ड बाय कर सकते थे, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि आप अमेजोन पे बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी अमेजोन ने अपडेट दिया है कि आप अभी अमेजोन पे बैलेंस से भी गोल्ड को बाय कर सकते हैं और आप अमेजोन पे बैलेंस को भी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपको ये अपडेट कैसी लगी आप हमें इसके बारे में वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। अभी आप अपने अमेजोन पे का बैलेंस कुछ चार्जेस देकर अपने बैंक अकाउंट में फीचर ले सकते हैं, आपको कोई भी थर्ड पार्टी ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है एयरटेल यूज़र के। दोस्तों अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आपके पास 2G स्मार्टफोन है तो आपको 100% दोस्तों ये बेनिफिट मिलेगा एयरटेल की ओर से। एयरटेल अपने काफ़ी सारे कस्टमर को बिल्कुल फ्री में 49 रुपीज़ का रिचार्ज दे रहा है। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि पैंडमिक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, तो इसलिए ये एयरटेल अपने 55 मिलियन यूज़र को बिल्कुल फ्री में 49 रुपीज़ का रिचार्ज प्रोवाइड करने वाला है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको मिल गया है तो आप हमें फिर भी वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले कितने मेरे भाइयों को मिला है। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है जियो फोन यूज़र के लिए। अगर आपका जियो फोन है दोस्तों, जियो के जो एक मंथ वाले प्लान हैं जितने भी, जैसे कि 75, 125, 150, 185, जो भी प्लान हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक प्लान का रिचार्ज करेंगे आज की डेट में तो आपको एक प्लान के साथ एक प्लान बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बाय वन गेट वन वाला आपको ऑफर मिल रहा है जियो की तरफ से। ये भी दोस्तों COVID-19 को नज़र में रखते हुए ऑफ़र दिया जा रहा है, तो जियो का ये ऑफ़र काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपने अभी तक ये ऑफ़र नहीं लूटा है तो आप जाकर जल्दी जियो फ़ोन का रिचार्ज कर लीजिए। आपको एक रिचार्ज करने पर बिल्कुल फ्री में एक रिचार्ज मिल जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो आपको पहले चेक करना, अगर आपको दिखाई दे रहा है बाय वन गेट वन वाला तो ये आपको मिलेगा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है पेटीएम बैंक एजेंट वालों के लिए। जैसे कि दोस्तों मैं पेटीएम का KYC एजेंट हूँ, बैंक एजेंट हूँ, ये अपडेट मेरे लिए भी है और आपके लिए भी अगर आप पेटीएम के बैंक एजेंट हैं। जैसे अगर आप पेटीएम का APS यूज़ करते हैं, आप आधार कार्ड से मनी को विड्रॉ करते हैं तो अभी आपको दिया जा रहा है डबल कमीशन। दोस्तों अगर आपको एक मैसेज आया है, जैसे कि मुझे आया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको ये मैसेज आया है तो आपको डबल कमीशन मिलेगा अगर आप पेटीएम की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप APS से पैसा विड्रॉ करेंगे या आप वॉल्ट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको डबल कमीशन मिल जाएगा। ये ऑफर 31 मई तक चलने वाला है, तो आप 31 मई तक डबल कमीशन कमा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगली अपडेट के बारे में। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है गूगल पे की ओर से। दोस्तों गूगल पे काफ़ी सारे यूज़र को अभी दे रहा है एक नया अपडेट। जैसा कि अगर आप किसी बाहर वाली कंट्री में कोई पैसा सेंड करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है, तो अभी गूगल पे धीरे धीरे, दोस्तों अभी तक ये सब के लिए नहीं है, किसी किसी को दिया जा रहा है। 100 में से किसी एक बंदे को ये अपडेट मिला हो सकता है, आपको मिला ही नहीं, आप में इसके बारे में वीडियो कमेंट जरूर करना। अपडेट क्या है कि अगर कोई भी बंदा अमेरिका का है या USA का है, वो अमेरिका से सीधा इंडिया में गूगल पे से पैसा सेंड कर सकता है। दोस्तों आज तक किसी भी ऐप से आप ऐसे पैसा सेंड नहीं कर सकते, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह से आप ऐसे पैसे सेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे ने ये पहल की है तो काफ़ी बढ़िया है। अब आप गूगल पे से जल्दी किसी बाहर वाली कंट्री से ही किसी और कंट्री में पैसा सेंड कर सकते हैं। जैसे आप इंडिया से अमेरिका में पैसा सेंड कर सकते हैं, अमेरिका से इंडिया में आप पैसा सेंड कर सकते हैं। तो ये अपडेट जल्दी आने वाले गूगल पे पर। आपको ये अपडेट कैसा लगा है आप हमें वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आएगा लास्ट अपडेट आ रहा है, और ये आ रहा है स्मार्टफोन के प्राइस को लेकर। दोस्तों स्मार्टफोन के प्राइस जल्दी बढ़ने वाले हैं। अब बढ़ने क्यों वाले हैं? दोस्तों बढ़ने इसलिए वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि चिप की शॉर्टेज हो रही है, जैसे कि पैंडमिक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वर्कर काम कम कर रहे हैं, वर्कर काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के पास, चिप शॉर्टेज हो रही है, नई चिप नहीं बन रही हैं, तो इसलिए स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया में। तो अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी बाय कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
तो आज के लिए बस इतने अपडेट थे जो मैंने आपको बताने थे। मैंने सारे सारे अपडेट के बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो हर रोज़ देता रहता हूँ।